बिहार में चाचा भतीजे की महागठबंधन सरकार को बीजेपी की नजर लग गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावर है और चाचा भतीजे की पोल खोल रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी की पोल खोली जा रही है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार नीतीश सरकार पर रिक्रूटमेंट में घोटाले का आरोप लगाया गया है। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी की चालाकी को पकड़ लिया और जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद चाचा भतीजे द्वारा बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार के दौरान हुए पुलिस कर्मियों की ज्वाइनिंग 2 से 3 साल पुरानी है। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि जिन पुलिस वालों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है, उन्हें तो पहले ही लेटर दिया जा चुका है। दरोगा को डीआईजी और आईजी ने 1 महीने पहले लेटर दिया था, वहीं सिपाहियों को जेल के एसपी ने नियुक्ति पत्र दिया था। इसका मतलब भर्ती में धांधली हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो नियुक्ति हो चुकी है उसी नियुक्ति पर दोबारा कार्यक्रम रख कर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन सरकारी पैसा क्यों बहा रहा है। दरअसल एक बात पर लगातार गौर किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद जब भी एक साथ दिखे हैं, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ही दिखे हैं। दोनों किसी न किसी कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र ही बांटते नजर आते हैं। जबकि महागठबंधन की सरकार बने अभी 3 महीने ही बीते हैं, ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महागठबंधन सरकार ने इन 3 महीनों में एग्जाम कब करवाए और नौकरी के लिए बहाली का ऐलान कब किया और इतनी जल्दी नियुक्ति कैसे हो गई जो नीतीश और तेजस्वी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। खबरों की माने तो नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिल रहा है जिनकी 3-4 महीने पहले बाकायदा ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो फील्ड में ड्यूटी भी कर रहे हैं। यानी महागठबंधन सरकार बिहार को दिखाना चाहती है कि बीजेपी के राज में कुछ नहीं हो रहा है, हमारे आते ही कितने लोगों को रोजगार मिला। क्योंकि अब चाचा भतीजे की सरकार दोबारा बिहार में बनी तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभी युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया था और अब दोबारा नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि नौकरी को लेकर किया हुआ ये वादा पूरा नहीं कर रही। जबकि नीतीश और तेजस्वी जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं उन्हें एनडीए सरकार के दौरान ही नौकरी मिल गई थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार दोबारा नियुक्ति पत्र देकर अपना चेहरा चमका रही है और इसके लिए सरकारी खजाने में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन वाली सरकार को मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस मुश्किल घड़ी से नीतीश और तेजस्वी कैसे निजात पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।